मैं हूं ज्योतिष गुरु पंडित भरत सिरमाली। स्वागत करता हूं आज आपका यूट्यूब चैनल लाइफ ओके पर। आज अपन बात करेंगे कि नवरात्रि के व्रत में भोजन के अंदर अपने को क्या नहीं खाना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों से अपने को बचना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, भोजन में क्या नहीं मिलाना चाहिए, उसके बारे में आज अपन बात करेंगे। और जो आप व्रत करते हो वो कौन सा व्रत कर रहे हो, उस व्रत का क्या नाम है, यदि एक बार खाना खाते हो तो कौन सा व्रत कहलाता है, इन व्रत के बारे में भी मैं आज आपको बताऊंगा कि किस प्रकार का आप व्रत कर रहे हो और कौन कौन सी चीजें नवरात्रि के अंदर भी अपने को नहीं करनी, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। इससे पहले एक बार फिर मैं आपसे यही कहना चाहता हूं दोस्तों कि आपके अपने बच्चों की जन्म कुंडली, आपके स्वयं की जन्म कुंडली या फिर घर में कोई वास्तु दोष हो या कोई भी समस्या हो तो एक बार मुझे आप व्हाट्सएप पर लिख करके जरूर भेजिएगा। व्हाट्सएप पर लिख करके भेजें कि गुरुदेव ये समस्या है, मैं मेरी ओर से आपकी समस्या के समाधान के लिए जरूर कुछ न कुछ उपाय ऐसा बताऊंगा जिससे कि आपकी समस्या का समाधान हो। तो चलिए आज अपन बात करते हैं कि नवरात्रा के अंदर व्रत के अंदर अपने को क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा और अंत तक देखिएगा ताकि इस वीडियो में आपको पूरा समझ में आ सके और अपने घर परिवार सहित अपने दोस्तों को भी ये वीडियो बता सकें। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हर आम आदमी तक भी ये जानकारी पहुंच सके। जो मैं आपके लिए लिख करके लाता हूं उसको पूर्ण ही ध्यानपूर्वक हमेशा आपको सुनना चाहिए कि किस प्रकार से अपने को क्या करना चाहिए। पंडित जी ने अपने लिए लिख करके लाया तो बहुत ही अच्छी चीज है। व्रत में क्या न खाए, ध्यान से सुनिएगा। नवरात्रि के व्रत के अंदर मांसाहारी खाने से बचें, मांसाहारी बिल्कुल भी नहीं खाएं और वो तो जीवन में भी कभी भी नहीं खाना चाहिए। यदि आप खाते हैं तो आपके आने वाली संतान के ऊपर इसका बुरा असर पड़ेगा और आपके कुल का है विनाश हो सकता है, तो इसके लिए आप मांसाहारी खाने से हमेशा बचें। और हो सके तो प्याज और लहसुन का प्रयोग भी आप न करें। प्याज लहसुन खाते हैं यदि नवरात्रि के अंदर, यदि संभव हो सके तो आप कोशिश कीजिए कि इसका भी प्रयोग आप नवरात्रि के अंदर बिल्कुल भी ना करें। फिर मैं आपको बताता हूं कि नवरात्रि व्रत में हल्दी है, हींग है, सरसों का तेल है, मेथी दाना है, गरम मसाला है और धनिया पाउडर का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता है और नमक में भी केवल चेंदा नमक ही खाया जाता है। समझ गए ना, वापस बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा कि नवरात्रि व्रत में हल्दी का इस्तेमाल भी नहीं होता है, हींग जो खाते हैं हींग का इस्तेमाल भी नहीं होता है, सरसों के तेल का इस्तेमाल नहीं होता है, मेथी दाने का इस्तेमाल नहीं होता है, गरम मसाले का इस्तेमाल नहीं होता है और धनिया पाउडर का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता है और नमक में भी केवल चेंदा नमक ही खाया जाता है, जो चेंदा नमक आता है उसको ही खाया जाता है। फिर मैं आपको बताता हूं कि व्रत के दौरान रिफाइंड तेल या सोयाबीन ऑयल में खाना नहीं पकाना चाहिए, रिफाइंड तेल और सोयाबीन ऑयल में भी खाना कभी भी नहीं पकाना चाहिए। फली है, दाल है, चावल है, आटा है, कॉर्नफ्लोर है, होल व्हीट है, रवा है और मैदे का इस्तेमाल करने से आपको बचना चाहिए नवरात्रि के अंदर। इन बातों का आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। और नवरात्रि का जो उपवास के दौरान केवल फलहारी अनाज खाना चाहिए। आपको बता दें कि कटु सिंगाड़े हैं, सामग हैं, राजगीरा हैं, साबूदाना है इत्यादि फलहारी अनाज है। आप सिंगाड़े और राजगीरे के आटे के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सामग की खिचड़ी, खीर है और ढोकला भी बनाया जा सकता है। वही साबूदाने का पापड़, खीर, खिचड़ी और वड़ा भी बनाकर खाया जा सकता है। ये व्रत में खाने लायक जो चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, पूर्ण रूप से सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा। उपवास के दौरान खाने में मसाले के तौर पर जीरा और जीरे का पाउडर, काली मिर्च और उसका पाउडर, हरी इलायची, लौंग, दालचीनी, अजवाइन, सूखे अनार के बीज, इमली और जायफल का इस्तेमाल किया जा सकता है। किसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ध्यान से सुनिएगा। मसाले के तौर पर जीरा, जीरे का पाउडर, काली मिर्च और उसका पाउडर, हरी इलायची, लौंग, दालचीनी, अजवाइन, सूखे अनार के बीज, इमली और जायफल का इस्तेमाल आपको किया जा सकता है। फिर नवरात्रि में लोग शाकाहारी डाइट अधिक लेते हैं,
इसमें आप शकरकंदी है, आलू है, अरबी है, कचालू है, पालक है, तोरी है, खीरा है, गाजर की सब्जी आप खा सकते हैं, जो जो आपको खाने चाहिए। नवरात्रि के उपवास के दौरान अपना खाना देसी घी या बादाम के तेल में बनाकर ही खाएं। देसी घी में बना करके खाएं या कोई बादाम का तेल हो तो उसमें बना करके खाएं। और आप तेल रहित खाने को भी खा सकते हैं, जो बिना तेल में बना हो वो भी खाना खा सकते हैं। उपवास के दौरान फलों के सेवन में शरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी पूरी होती है। पपीता है, सेब है, नाशपाती है और अनार जैसे फलों का सेवन जरूर करना चाहिए। इन फलों के सेवन से शरीर को एनर्जी मिलती है। दूध और दूध से बने उत्पाद जैसे दही, लस्सी, पनीर है, व्हाइट पनीर, घी, मलाई और खोए का सेवन आप किया जा सकता है। कहने का मतलब ये चीजें हैं, आप सेवन कर सकते हैं। फिर नवरात्रि के अंदर मानसिक संयम कौन कौन सा रखना है? इन 9 दिनों संग स्त्री संग शयन वर्जित माना गया है। आप हैं स्त्री संग बोले तो अपनी मिसेज के साथ हैं, शयन वर्जित माना गया 9 दिनों में। इन 9 दिनों में किसी भी प्रकार से क्रोध ना करें, किसी भी प्रकार का क्रोध नहीं करना चाहिए। इन 9 दिनों में बुरा देखना, सुनना और कहना छोड़ दें 9 दिनों तक। इन 9 दिनों में पवित्रता का ध्यान रखें और इन 9 दिनों में किसी भी प्रकार की महिला या कन्या का अपमान भी नहीं करें, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर आपको मैं बात बता दूं उपवास के प्रकार, कितने प्रकार का उपवास होता है ध्यान से सुनिएगा। 17 प्रकार का उपवास होता है। कितने प्रकार का? 17 प्रकार का। प्रातः उपवास, अर्ध उपवास, एकाहार उपवास, रसो उपवास, फलो उपवास, दुग्ध उपवास, तर्को उपवास, पूर्ण उपवास, साप्ताहिक उपवास, लघु उपवास, कठोर उपवास, टूटे उपवास, दीर्घ उपवास, पाक्षिक व्रत, त्रैमासिक, 6 मासिक और वार्षिक व्रत, ये 17 प्रकार के व्रत कहे गए हैं। तो नवरात्रि के दौरान रसो उपवास, फलो उपवास, दुग्ध उपवास, लघु उपवास और अधो उपवास और पूर्ण उपवास किया जा सकता है। जैसी जिसकी क्षमता होती है वह उपवास करता है। अब ध्यान से सुनिएगा, अधो उपवास किसे कहते हैं? इन 9 दिनों में अधो उपवास अर्थात एक समय भोजन किया जाता है जिसमें बगैर लहसुन व प्याज का साधारण भोजन किया जाता है, वह भी सूर्यास्त से पूर्व, बाकी समय सिर्फ जल ग्रहण ही किया जाता है। कहने का सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद ही आपको इसमें भोजन करना चाहिए, उसे बोलते हैं अधो उपवास, बोले आधे दिन का उपवास। फिर पूर्ण उपवास, पूर्ण उपवास बोलते हैं बिल्कुल साफ सुथरे ताजे पानी के अलावा किसी और चीज का बिल्कुल भी न खाना और पूर्ण उपवास कहलाता है। और इस उपवास में उपवास से संबंधित बहुत सारे नियमों का पालन होता है। इस कठिन उपवास के करने से 9 दिन में कहीं भी बाहर नहीं जाना चाहिए। पूर्ण उपवास बोलते हैं सिर्फ जल के ऊपर उपवास करना, कुछ भी टच नहीं करना, जूस वगैरह कुछ भी नहीं। कई लोग मैं देखता हूँ जूस वगैरह पी लेते, नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ जल पिया जाता है और 9 दिनों तक घर से कहीं पर भी बाहर नहीं जाया जाता है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत से लोग हैं अधो उपवास के समय भोजन और एक समय साबूदाने की खिचड़ी खा लेते हैं और कुछ लोग तो एक ही समय भरपेट साबूदाने की खिचड़ी या राजगिरे के आटे की रोटी और भिंडी की सब्जी खा लेते हैं। ऐसा करना किसी भी तरह से व्रत और उपवास के अंतर्गत नहीं आता है। उपवास का अर्थ होता है एक समय या दोनों समय भूखे रहना, लेकिन लोगों ने अपनी सुविधा अनुसार रास्ता निकाल लिया है जो कि अनुचित है। कहने का मतलब मैं आपको आज बता देता हूँ कि कई लोगों को मैंने देखा है कि राजगिरे की रोटी बना लेते हैं, बोलते हैं आज उपवास है, राजगिरे की रोटी खाएंगे, फिर सब्जी से खा लेते हैं, दोनों समय भर पेट साबूदाना खिचड़ी भी खा लेते हैं और फिर कहते हैं उपवास है, तो वो उपवास नहीं के ना के बराबर है, वो उपवास में नहीं माना जाएगा। फिर इन 9 दिनों में यदि आप उपवास नहीं कर सकते हैं तो आपको मद्यपान, मांस भक्षण और मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए। यदि आप इस नवरात्रि के अंदर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो एक तो आपको मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए, ये आपको दारू वगैरह नहीं पीना चाहिए, ड्रिंक वगैरह बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और मसालेदार, ज्यादा मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए। कभी भी भोजन करने या दूध या रस पीने के बाद माता जी का पूजन नहीं करना चाहिए। माता जी का पूजा झूठे मुंह नहीं करते हैं। कहने का मतलब कभी भी भोजन करने के बाद या फिर आप दूध पीने के बाद यदि भोजन करते नहीं, आप स्नान करके डायरेक्ट
पूजा करें और उसके बाद ही कुछ भी जो भी फलाहार वगैरह है वो आप ले सकते हैं। नवरात्रों में कठिन उपवास और व्रत रखने का महत्व है और उपवास रखने में अंग प्रत्यंग में पूरी तरह से भीतरी सफाई होती है और उपवास में रहकर इन 9 दिनों में की गई हर तरह की साधनाएं मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कहने का मतलब आज मैंने जो जो आज आपको उपाय बताए हैं व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कौन कौन सी अपने को मैंने आपको बताया है कि किस तरह से उपवास रखना चाहिए, इन नियमों का यदि आप पालन कर देते हैं, नवरात्रि के अंदर जो मैंने नियम बताए हैं उनका भी यदि आप पालन कर देते हैं तो आपके लिए नवरात्रि में मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेगी। इसी के साथ ही मैं आपको एक बार फिर से कहता हूँ दोस्तों कि आप अपने सभी अपने बच्चों की हैं, आपकी स्वयं की हैं, आपकी मिसेज की हैं, किसी की भी कुंडली आप मुझे दिखा सकते हैं और कुंडली दिखाने के बाद कोई भी समस्या हो तो भी आप मुझे बता सकते हैं, घर की वास्तु के बारे में बता सकते हैं। मैं आपको यही कहूँगा कि आपको हर समय एवं पूर्ण रूप से कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे से ले सकते हैं। इसी के साथ ही मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।